मुझे लग रहा है ये मेरे को फॉलो कर रहे हैं। Hey guys, welcome back to my channel. This is going to be my another vlog today. और आज हम लोग हैं डीबी किलर के साथ में। मैंने एग्जॉस्ट पे आज डीबी किलर लगा। एक लीन एंगल आ रहा है, पहले एक लीन एंगल ले लूं। थोड़ा सा और लीन होना चाहिए था, मजा आ जाता। डीबी किलर से आवाज कम हो गई है, मतलब ठीक ठाक आवाज है। स्टॉक एग्जॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा आवाज है, रिएक्शन बन सकता है, मिल सकता है। ये देखो आवाज सुनाई दे रहा होगा आपको। आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। दो तीन चीजें करनी है। एक तो नया ऑडियो माइक माइक्रोफोन बेसिकली चेक करना है, जो कि मैंने लगा लिया है अभी अपने हेलमेट में। थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में है उधर हेलमेट के अंदर, इससे मेरे को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। बट ठीक है, अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी आती है तो अपना काम बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त कर लेंगे। दूसरा था आज का प्लान नर्सरी में जाने का, कुछ अपने प्लांट्स खरीदने हैं थोड़े से मेरे रूम के लिए। मेरे को एयर प्योरीफायर चाहिए था, तो वो प्लांट्स हमने नर्सरी में जा कर के खरीद लेंगे। बहुत बड़ी नर्सरी है ये, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास में, नेस्ट एंड वाइन करके। सब तरह की वैरायटीज आपको मिलेगी। सक्यूलेंट्स है, एयर प्योरीफायर्स है। सक्यूलेंट्स की देख लो कितनी वैरायटी है। कैक्टस, कितना बड़ा है वो, ये वाला। अगर आपको कुछ प्लांट्स लेने हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। मैं आया हूँ उधर, पहले देख लूँ कुछ प्लांट्स अपने लिए, बिकॉज पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो आई थिंक एयर प्योरीफायर्स की तो बहुत ज़रूरत है आजकल। तो मुझे अपने रूम में कुछ एयर प्योरीफायर्स लगाने हैं। मुझे सी कि क्या मिलता है यहाँ पे। और एक और चीज़ मैंने अपने आपने अगर नोटिस करा होगा, रियर व्यू मिरर्स बेसिकली हटा दिए इसमें से। सबसे बकवास चीज़ है वो Z900 में। आई कांट, आई मीन इवन इमेजिन कि 10 लाख रुपए की बाइक है एंड देन यू आर गिविंग दोस क्रैपी रियर व्यू मिरर्स। मैंने हटा दिया दोनों तरफ से। अब इसका ये बोल्ट है जो मैं निकालना है, निकालूंगा। बट देन आई विल प्रोबब्ली बाय सम कैप्स और रबर कैप्स फॉर दीज टू, एंड देन आई विल प्रोबब्ली गेट बार एंड मिरर्स जो नीचे की तरफ रहते हैं ऐसे। रिएक्शन रिएक्शन ये मिला पहला रिएक्शन एग्जॉस्ट लगाने के बाद। नाइस, अब तो आज का व्लॉग होगा पूरा ही रिएक्शन पे ही, जिस हिसाब से रिएक्शन मिल रहा है। आवाज सुन लेना पहले इधर। बीबी किलर लगाने के बाद में अब आवाज आ रही है अच्छी, मतलब बढ़िया। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम से चुभने लग जाए या एकदम से लाउड हो जाए और मतलब सब लोग देखते रहे, वैसा भी नहीं है। बट ठीक ठाक आवाज है, अच्छी खासी आवाज है। अब देखो रिएक्शन तो मिल ही रहा है डीबी किलर के बाद भी, तो अपना तो काम बन ही रहा है। आज तेज गाड़ी हमें चलानी नहीं है, आज Z900 भगानी नहीं है हमें, आज रिएक्शन मिलना है। जब तक के रिएक्शन मिलता जाएगा तब तक के धीमे चलाते जाएंगे। अरे आज तो पूरा दिन बन गया रिएक्शन से ही।
देखो गाइस, मैं तो अपनी राइड पे जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने, मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ये मेरे को फॉलो कर रहे हैं। क्या हुआ? गाइस डू लेट मी नो आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मेरा इंटेंशन तो कुछ और था लेकिन कुछ और भी हो गया। चलो बढ़िया, अपने को रिएक्शन बहुत अच्छा मिला। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस बना करके लेके आऊँगा आप सबके लिए। अगर आपको अच्छा लगता है लेट मी नो इन द कमेंट्स, और इस वीडियो को भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और गाइस आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, मेरे को जितना सपोर्ट मिल रहा है आप सब लोगों से बहुत अच्छा लग रहा है। But there are people who are like commenting really nice stuff on my videos and all, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो I really appreciate you guys, you know, following me. अच्छे खासे followers बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम से ज़्यादा हो गए, but नहीं ठीक है। I started off with around 30-40 subscribers starting में आ गए थे, but then you know past few weeks में मेरे I think around more than 100-150 के आसपास सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, एंड राइट नाउ आई थिंक आई जस्ट क्रॉस 350। तो इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग, प्लीज कीप लाइकिंग माय वीडियोस, एंड एट द सेम टाइम आई आल्सो ट्राई एंड गेट यू गाइस द वीडियोस जो आप सब लोगों को अच्छे लगे। आप जितना मेरे को कमेंट्स में बताते जाओगे आपको किस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं अकॉर्डिंगली वैसे वीडियोस बनाता जाऊंगा आप सबके साथ में, आप सब लोगों को दिखाता जाऊंगा। और लास्ट वाला वीलॉग मैं प्रॉपरली एंड नहीं कर पाया था बिकॉज उस टाइम पे मेरी गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, और फिर घर पहुंच के भी मैं आई वाज लाइक रियली टायर्ड, आई कुडंट यू नो एंड द वीडियो। बट हाँ, लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा हुआ जहाँ पे मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था ऑफिस के कोलिग्स के साथ में, तो इट्स आउट देयर ऑन द चैनल, आप देख लो एक बार। अच्छा रिएक्शंस मिला था मुझे सारे कोलीग से, बहुत बढ़िया रिएक्शंस मिली थी। तो छोटा एग्जॉस्ट भाई, बैक गियर भी है, बैक गियर भी है, व्हाट नॉनसेंस ऑफ अ बाइक इज दिस। और मैंने हम लोग के मैच भी जीत गए थे बेसिकली, हमारा 21-26 टू विन था जो मैंने खत्म कर दिया था, आई थिंक एक आध ओवर्स तो बच ही गए थे। और तुम्हारे भाई को मिल गया था मैन ऑफ द मैच, आई टुक 2 विकेट्स, 2 विकेट्स मैंने लिए थे, और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई स्कोर 48 of 24 balls, 24 बॉलों पे आई थिंक आई गॉट 48 runs, बट स्कोर ख़त्म हो गया, वरना थोड़ा सा और स्कोर होता तो शायद 50 हो जाती। बट येस इट वॉज फन, इट वॉज एक्साइटिंग। हम लोग ऑफिस के मैचेस हमारे होते रहते हैं, अभी नेक्स्ट मैच इज प्रोबेबली हैपनिंग इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ नाउ, तो वो भी होगा तो उस टाइम भी आपको लेके जाऊंगा। आवाज़ तो बहुत बढ़िया आ रही है भाई, ठीक ठाक आ रही है, मतलब उतना ज़्यादा लाउड भी नहीं है, और मतलब ट्रैफिक वाले ट्रैफिक पुलिस वालों से डरने का भी ये नहीं है, मतलब अच्छी खासी आवाज़ आ रही है। स्टॉक एग्जॉस्ट से तो लाउड है, आई थिंक स्टॉक एग्जॉस्ट से 15-20% लाउड है, आराम से लाउड है, बट नॉट एज लाउड एज यू नो व्हेन यू आर राइडिंग विदाउट द डीबी किलर। रिएक्शन मिल रहा है इधर, आई होप माई कैमरा इज ऑन, आई एम नॉट श्योर, लाइट तो चल रही है बट तो ऑन ही होगा। मैं अभी घर पहुंचने वाला हूं, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब, और मेरे को कमेंट्स में बता देना, तो मैं अकॉर्डिंगली फिर फ्यूचर के वीडियोस भी वैसे ही लेके आऊंगा जैसे आपको अच्छे लगे। So thank you guys for watching, I'll see you in the next vlog.